हे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि भारत का जियोग्राफिकल उत्पत्ति कैसे हुई। वैज्ञानिकों की माने तो आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले आज के दिखने वाले कॉन्टिनेंट नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पेंजिया नाम दिया गया और इसके चारों ओर एक ही महासागर था जिसका नाम दिया गया पैंथालासा। आज के सभी खंड इसी महाखंड पेंजिया से विखंडित होकर बने हुए हैं। इस थ्योरी को देने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर थे और उनका ये भी मानना था कि उस वक्त उस महाखंड पर रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ था। इन्होंने इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए ये बताया कि ये सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट होते हैं और अल्फ्रेड ने अलग अलग जगहों की पुरानी चट्टानों पर रिसर्च किया तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ये चट्टानें एक समान हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ये सारे कॉन्टिनेंट एक थे। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेटें खिसकती रहती हैं जिससे धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव लाखों वर्षों बाद दिखाई देते हैं और इन्हीं बदलावों के कारण आज के कॉन्टिनेंट और हमारे देश भारत का निर्माण हुआ। अल्फ्रेड के थियरी के अनुसार प्लेट के सरकने से सबसे पहले पेंजिया कॉन्टिनेंट के दो भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लॉरेंसिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा गया और इन्हीं दोनों कॉन्टिनेंट के बीच बने सागर को पेथिस सागर नाम दिया गया। पेंजिया से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लॉरेंसिया में से आज के उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप का निर्माण हुआ और दक्षिणी हिस्से गोंडवाना लैंड में से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप का निर्माण हुआ। भारत आज ही भले ही एशिया का हिस्सा है, लेकिन भारत उस वक्त गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पर टिके थे। धीरे धीरे भारत की प्लेट उत्तर में बढ़ते हुए आज के लद्दाख हिस्से से टकरा गई। जब दो प्लेट टकराती हैं तो भारी प्लेट नीचे की ओर, हल्की प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है। उस वक्त ऐसा ही हुआ था और हिमालय का निर्माण हुआ। आज भी ये उत्तर की ओर बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से हिमालय की ऊंचाई हर साल बढ़ रही है और इन्हीं प्लेटों के खिसकने की वजह से भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं होती रहती हैं। आपको यह वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।